मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टी दिशा में ही क्यों चलता है येशु? मैं जो कहता हूं उसका उल्टा ही सोचते हो। ठीक है, तो फिर प्रमाण देकर समझाओ इस बात को। मैं अपनी बात साबित करने के लिए आपकी मदद चाहता हूँ गुरु जी। क्या पढ़कर बता सकता है कि इस पत्र में क्या लिखा है? क्या मैं आपके लिए पत्र पकड़ सकता हूँ गुरु जी? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? आप पढ़ पाएंगे गुरुजी? क्या कर रहे हो तुम? मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता गुरुजी, बस ये बताना चाहता हूँ जैसे पढ़ने के लिए कागज को थोड़ा दूर रखना जरूरी है, वैसे ही थोड़ी दूरी बनाकर समस्या का निरीक्षण करना भी। ताकि हम समस्या को ठीक से देख और समझ सके। ठीक है, आज के लिए ये काफी है। कल सब लोग कुछ पंक्तियां अपने पिताजी पर लिख कर लाएंगे और पूरी कक्षा के सामने पढ़ेंगे। ठीक है, आज कक्षा समाप्त होती है यहीं। जाओ यहां से। आज तो तुमने कुछ कमाल नहीं किया, कम से कम कल अपना कार्य पूरा करके आना, समझे? जी गुरुजी। मैंने कहा था ना, यीशु भैया सब ठीक कर देंगे। गुरुजी को प्रभावित करने के लिए मैंने झाड़ू तक लगाई, पर रब्बी गुरुजी ने यीशु का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। तुम्हारे साथ यही दिक्कत है सेंचुरियन, तुम काम कम और जांच पड़ताल ज्यादा करते हो। तुम्हारी सूची में इन सभी बच्चों के नाम थे जिन पर तुम्हें शक था कि हो ना हो इन्हीं में से किसी का संबंध उस भविष्यवाणी से हो सकता है। तो मैंने सोचा इनकी जान के साथ साथ शक भी खत्म हो जाएगा। सही सोचा ना मैंने? पहले सूची बनाओ, फिर जांच पड़ताल करो, फिर उन्हें पकड़ के लाओ, अपनी तसल्ली करो और तब जाकर मारो। इतना समय नष्ट करने की क्या जरूरत है भला? देख क्या रहे हो, मार डालो इन बच्चों को। मुझे लगता था कि आप अपने पिता से बेहतर राजा साबित होंगे। रुक जाओ, क्या कहा तुमने? मुझे ऐसा लगता था कि आप अपने पिता से बेहतर राजा साबित होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने ये सोचकर गलती की। मैंने भी गलती की तुम्हें जिंदा छोड़कर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अपने बने बनाए खेल को मैं ऐसे बिगड़ना नहीं दूंगा। अगर नए सम्राट ने सेंचुरियन को मार दिया तो यीशु को सम्राट तक पहुंचाने का माध्यम खत्म हो जाएगा। यदि आपने इन बच्चों की हत्या कर दी तो आपके पिता की तरह आपका नाम भी मासूम बच्चों के हत्यारे के रूप में लिया जाएगा। और आप कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन अपने नाम पर से ये दाग नहीं हटा पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो कार्य मुझे सौंपा है मुझे वो पूरा करने दीजिए, ताकि आपका नाम बदनाम ना हो। अगर तुम्हें इसकी बात नहीं मानी तो तुम्हारी पूरी सेना तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। मान लो इसकी बात, मान लो।
इन बच्चों के जीने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे इस बात की कोई परवाह है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इन बच्चों की जान बचाने के लिए तुमने अपना सर झुकाकर विनती की है, तो एक महान सम्राट होने के नाते मैं इन बच्चों की जान तुम्हें भीख में देने को तैयार हूं। जाओ, मान ली मैंने तुम्हारी बात। मैं बस इन बच्चों को मार नहीं रहा हूं, पर ये सभी मेरे ही कैद में रहेंगे। जाओ और ढूंढो उस चमत्कारी बच्चे को, और जिस दिन वो मिल गया तुम्हारे हाथों से ही उसकी हत्या करवाऊंगा। बहुत खूब नए सम्राट, मेरी ये बात याद रखना। मैं जानता हूँ क्या मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि मेरी रक्षा करने आया है। मेरे लिए राज सिंहासन से सर्वोपरि और कुछ भी नहीं, पर मैं पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ कि वो बच्चा कौन है, फिर मैं उस बच्चे को मारने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हम सबको पाठशाला से गृह कार्य मिला, इसके लिए मुझे आपसे वो सब कुछ जानना है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सी चीज बनाने में आपको कितना समय लगता है, सब कुछ। इसलिए आज पूरा दिन मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे कपड़ों और हाथों पे ये स्याही के दाग कैसे लगे। यीशु, क्या हुआ मेरे बच्चे, रब्बी गुरुजी से डांट तो नहीं पड़ी ना? अपने सर पे रखो इसको और जाकर उस कोने में खड़े हो जाओ। इतनी सी पड़ी, पर सब मिलाकर पाठशाला का पहला दिन बहुत अच्छा गया। हाँ। पिताजी, मेरे गृह कार्य के लिए आप अपने बारे में सबसे पहले क्या बताने वाले हैं? सबसे पहले तो तुम ये कपड़े बदल के कार्यशाला में आ जाओ, और सुनने से अच्छा है अपनी आंखों से खुद देखो कि मैं क्या करता हूं और कैसे करता हूं। मैं अभी आता हूं। ईश्वर करे हमारे बच्चे की खुशी ऐसी बनी रहे। हाँ। मुझे जल्द से जल्द ये पुष्टि करनी होगी कि ये भविष्यवाणी वाला बच्चा यीशु है या नहीं, पर यहाँ से निकलने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरा सैनिक रायन सुरक्षित है या नहीं। रायन कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। वो तुम्हें रायन के पास नहीं ले जाएगा। सेंचुरियन, तुम्हें नियंत्रण में रखने के लिए मुझे किसी उपकरण की जरूरत थी, और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा सबसे स्वामी भक्त सैनिक अब मेरा बंदी है। लेकिन मेरे मन में एक और विचार आया है। आपने बुलाया सम्राट? आज से मैं तुम्हें एक नया स्वामी देता हूं, महान सेंचुरियन। आपसे तुम हर वक्त इन्हीं के साथ रहना, ये जहां जाएंगे तुम इनके साथ जाना, मन लगाकर सेवा करना अपने स्वामी की। सामान मान लो अपना, हम अभी कभी निकलेंगे। एक एक पल की सोचना चाहिए मुझे। सेंचुरियन कहां जाता है, क्या करता है, किस किस से मिलता है, सब कुछ। जिस दिन की सूचना तुमने मुझे नहीं दी उसी दिन मरवा दूंगा तुम्हें। जी सम्राट। आपकी उम्र कितनी है पिताजी, और आपको खान में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? रुको रुको, मैं बड़ा हूं ना तो पिताजी मेरे सवाल का जवाब देंगे। पूछो पूछो।
पिताजी, मैं आपके काम के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अभी तक आपने सबसे सुंदर कौन सी चीज बनाई? अरे मेरा बच्चा, मैं बताती हूँ ना, ये जो चारपाई देख रहे हो ना, ये तुम्हारे पिताजी ने अभी एक महीने पहले ही तो बनाई थी, और देखो अभी इसे मरम्मत की जरूरत पड़ गई। अरे हाँ, है ना, लेकिन तरस तो मुझे इस चारपाई पे आ रही है। तुम्हारा वजन उठाने की बहुत कोशिश की इस बेचारी ने, लेकिन इसके बाद भी इसकी कमर टूट गई। देखो मैं भाभी को मना कर लाती हूँ। आपको गाना गाना आता है पिताजी? और आपको नाचना आता है क्या? एक बार में कितनी रोटियां खा सकते हैं? अरे रे रे, रुको रुको, बड़े बदमाश हो गए सभी के सभी। वाह पिताजी, रंग लगाते समय आपका हाथ कितना स्थिर रहता है। ये वर्षों के अभ्यास का फल है यीशु। मैं लगभग तुम्हारी उम्र का था जब मैंने पहली बार औजार चलाना सीखा था। किसी भी कला या कार्य को करने के लिए कठिन परिश्रम, धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। जी पिताजी। हाँ, एक काम करो, तुम खुद जाकर इस कार्यशाला का निरीक्षण करो और यहाँ पर रखी हुई चीजों को देखकर मुझसे प्रश्न करो। जी पिताजी। हाँ। पिताजी, आपके काम का वो कौन सा पक्ष है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है? हाँ, लोगों के चेहरे पे आने वाली मुस्कान, वो खुशी की मुस्कान जब मैं उन्हें कोई चीज बना कर देता हूँ। हाँ, वही सबसे अनमोल है। पिताजी, ऐसा संकेत है। ये अचानक इतनी खुशी क्यों महसूस कर रहा हूं मैं अपने आसपास? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मेरी पसंद का संगीत गूंज रहा है चारों तरफ? हमने अब तक ऐसी चीजों से दूर रखा था यीशु को, अब मैं उससे क्या कहूं? बताइए ना पिताजी, ये क्या है? यीशु को ये बात किसी और से पता चले उससे बेहतर है कि मैं ही उसे बता दूं। Thank you.
सलीब है बेटा। जब कोई गलती करता है तो उसे गलती की सजा देने के लिए सलीब पर चढ़ा दिया जाता है। क्या सजा देना जरूरी है पिताजी? उन लोगों की गलतियों को माफ भी तो किया जा सकता है। छोड़ो ये सब बातें, चलो कुछ और बात करते हैं, आओ। क्या ऐसे उनके हाथ बांध देते हैं पिताजी? बेटा तुम अभी छोटे हो, इस बारे में मत सोचो। लेकिन जिन लोगों को सलीब पर चढ़ाया जाता होगा उन्हें बहुत तकलीफ होती होगी ना? यीशु के सवालों को सुनकर मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? ये क्यों भी टोकते हैं उन्हें? यहाँ टोकते हैं कील? बस करो बेटा, बस करो। इसे लेकर अपनी ओर इशारे मत करो, रखो इसे। देखो मेरे औजार लेकर आओ, मैं तुम्हें सितारा बनाना सिखाता हूं। हाँ आ जाओ। यीशु, आप रो क्यों रहे हैं पिताजी? यीशु, आज के बाद तुम कभी इस सलीब को हाथ नहीं लगाओगे, वादा करो। मुझसे वादा करो बेटा, बोलो। कभी नहीं, बोलो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपकी बात को याद रखूंगा। मत रोइए पिताजी, मैं इस सलीब को क्या कभी किसी सलीब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी आपके मन को छोड़ के पहुंचाऊंगा। बस आप रोइए मत पिताजी, चुप हो जाइए। यीशु, यीशु,